ये अच्छा क्यूट सा अच्छा ये फ्लावर। बताओ, ये बताओ कौन सा फ्लावर है, अच्छा तुम बताओ। हाँ ये, इतना टाइम लग गया है। अरे इसको तो डॉग फ्लावर बोलते हाँ हैं, एंटी राइनम बोलते हैं, डॉग एंटी फ्लावर राइनम भी बोलते इसका हैं। दूसरा नाम हाँ है। जी और ये बताइए डॉग फ्लावर क्यों बोलते हैं? हाँ, ये क्योंकि इसमें जो है ना डॉग की तरह ऐसे ऐसे करता है ये। ये देखिए डॉग की तरह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ प्रशांत और प्रिया। आज हम लोग कुछ आपके लिए खास लेकर आए हैं, तो आप कुछ बताएं कि आज क्या शेयर करने वाली हैं आप हमारे व्यूवर्स को। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली रात में शिमला में हैवी रेनफॉल हुई है और आज सुबह में ही बहुत ही अच्छा, मतलब प्लीजेंट वेदर है। हम लोग बालकनी गार्डन में ऐसे ही बैठकर चाय पी रहे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं ये क्लाइमेट और ये बालकनी गार्डन का टूर आपके साथ भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि हमारे बालकनी गार्डन में कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं। अभी जून का मंथ भी है तो आपको सीजनल फ्लावर्स भी हम दिखाएंगे। तो ये भी दिखाना है कि हमने लॉकडाउन में पिछले 1.5 महीने के दौरान क्या किया है और कैसे हमने गार्डन में अपने काफ़ी सारा वक्त यहाँ पे गुजारा है और इस बालकनी को हमने ब्यूटीफाई किया है। एंड इफ़ यू आर प्लांट लवर्स तो आप हमारे गार्डन चैनल पे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिफरेंट वीडियोज वहाँ पे लगभग 180+ वीडियोज हैं प्लांट्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, कैसे स्टेम कटिंग करते हैं, कैसे प्रोपेगेट करते हैं, कैसे किसी भी प्लांट को हम लोग उसका केयर करते हैं, कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। न्यूमरस वैरायटीज ऑफ वीडियोज आर देयर ऑन प्लांट्स, तो काफ़ी एजुकेशनल वीडियोज उस पर अवेलेबल हैं। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हाँ बोलिए। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, ये बालकनी गार्डन छोटा सा जो है ये हमारे लिए फैमिली की तरह है। ये छोटे छोटे जो प्लांट्स है और फ्लावर्स है इसे हम बिल्कुल अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं और बहुत देखभाल करने की ज़रूरत भी होती है बालकनी गार्डन में, जैसा कि आप सबको पता ही है। और कभी कभी तो हम दोनों के बीच में काफ़ी कुछ डिस्कशन हो जाता है कि ये पॉट कहाँ लगाएंगे और ये प्लांट किस में लगाएंगे, तो ये सब दिन भर हम लोगों के बीच में चलता रहता है। तो हम लोग ये बालकनी गार्डन के थ्रू इंगेज भी बहुत रहते हैं और मन भी लगा रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं कभी कोई प्लांट का पॉट रिप्लेस कर देता हूँ, किसी नया जगह पे लगा देता हूँ, अगले दिन देखता हूँ वो कहीं और मिलता है, वहाँ पर नहीं मिलता, ऐसा बहुत होता है। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूँ, जो हमारा बालकनी है ये 3 फीट वाइड है, वैसे तो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बट 60 फीट लॉन्ग है, तो लंबाई काफ़ी है इसकी। हमने इसमें लगभग 300 पॉट्स प्लांट कर रखे हैं और शिमला का वेदर जैसा कि आपको पता ही है कि कोल्ड वेदर होता है मोस्टली, थोड़े से समर्स जैसे अभी जून है, जून का महीना है ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी कंफर्टेबल कोल्ड बोल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, ऐसे हल्की सी ठंड लग रही है हमें, बट कंफर्टेबल है।
तो यहाँ पे प्लांट को थोड़ा मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम है, बट ये हमने फिर भी काफ़ी मेहनत करके इसको मेंटेन किया हुआ है और हम सालों भर इन सब सारे प्लांट्स को रिवाइव करते रहते हैं। आइए हम आपसे थोड़ा सा शेयर करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा इसके बारे में कि हम लोग क्या क्या करते हैं। और कुछ बताएंगी आप? आपके लिए एक टिप्स भी है कि जैसे छोटे से बालकनी गार्डन है तो आप उसको गार्डनिंग आइडियाज़ लगाकर और अपने आइडियाज़ और इनकी केयर के साथ आप बालकनी गार्डन को भी, छोटे से छोटे बालकनी गार्डन को भी काफ़ी खूबसूरत, डेकोरेटिव और इनोवेटिव बना सकते हैं। तो आपके लिए ये भी एक टिप्स मिल सकती है। फ्रेंड्स, ये जो एरिया है, ये सिटिंग एरिया है हमारा, यहाँ पे एक छोटा सा जगह है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय वगैरह पीते रहते हैं सुबह और शाम को जब भी टाइम मिलता है, और कुछ डिस्कस भी करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल ही ये जो है प्योर एयर, प्योर एटमॉस्फेयर के बीच में बैठे हुए हैं। और अभी हम यहाँ से आपको दिखाएंगे ये व्यूज़, देख लीजिए। देखिए, हमने यहाँ से आपको एक साइड का दिखाया हमने, और ये यहाँ से देखिए वहाँ तक बालकनी है हमारा। आइए एक साइड से शुरू करते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? एक्चुअली ये स्पिनच है ना, लीगी सा हो गया था और बहुत ज़्यादा घना भी नहीं दिख रहा था, तो मैंने इसको प्रूनिंग कर दी है ताकि और भी नए नए स्टेम्स निकले स्पिनच के। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा सा किचन गार्डन जैसा बोल सकते हैं। इसमें हमने पुदीना लगाए हुए हैं, स्पिनच भी लगा हुआ है इधर को, और ये मैंने थोड़ा सा खाली रखा है। इसमें मैं आलू और प्याज लगाऊंगी। ये देखिए, ये पहचानिए। अच्छा, ये तो पोटैटोज हैं। हाँ, ये मैंने पोटैटो लगाए हुए हैं और अनियन भी लगाए हुए हैं उधर। अच्छा, अनियन ये हॉबी के तौर पे लगाते हैं हम लोग तो वैसे, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें मिलता है अपने बालकनी गार्डन में, और खुशी मिलती है प्लांट्स की केयर करने में, छोटे छोटे फ्लावर्स देखने में, प्यारे प्यारे से। ये देखिए, रोज़ भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये एरिया है, आइए दिखाते हैं। और ये शेड एरिया है, यहाँ पे हल्की सी बिल्कुल धूप आती है कभी कभार, तो इसमें हमने सारे सकुलेंट लगा दिए हैं क्योंकि सकुलेंट को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ये दिखाइए कितना खूबसूरत ये एचुपेरिया है। और ये क्रिसमस कैक्टस है जो दिसंबर में इसमें फ्लावर आएंगे। ऊपर भी कुछ हमने लगाए हुए हैं सकुलेंट्स। और ये अलमीरा हमने एक लगा दिया है, सेल्फ है, आयरन सेल्फ है जिसमें 3 सेल्फ बने हुए हैं। इसमें भी आप प्लांट्स रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पर हमने रख लिए हैं। बहुत ही लवली रोज़ है ये ऑरेंज कलर का, और हमारे पास ऐसे 6-7 रोजेज़ हैं, कलर्स। रोजेज़ वैसे 10 से ज़्यादा हैं, बट जो कलर्स हैं वो हमारे पास काफ़ी कलरफुल है। जैसे कि आपको मैंने ये ऑरेंज दिखाया, और भी हमारे रेड हैं, अभी रेड वाले तो अभी खिले हुए नहीं हैं, बट ये भी बड़े अच्छे लगते हैं जब खिलते हैं। तो ये देखिए, इस पिंक वाले में बर्ड भी आया हुआ है, और ये एक यहाँ पर पिंक वाला खिल भी गया है, ये आप देख सकते हैं। ये पिंक वाला ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और टिकता बहुत ज़्यादा है। ये वाइट रोजेज, ये देखिए, फ्लावर्स भी काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं, और काफ़ी नंबर्स ऑफ फ्लावर्स आते हैं ये वाइट रोजेज में, देख सकते हैं। ये देखिए, ये येलो रोज के बर्ड भी आए हुए हैं, ये भी बहुत ही प्रिटी लगता है। और ये देखिए पिटूनिया फ्लावर्स, अरे इसमें तो काफ़ी सारे फ्लावर्स ना फेड भी हो गए हैं, इनको मैं अभी प्रून कर देता हूँ, डेडहेड कर देता हूँ। आयुष्मान, क्या कर रहे हो? यंग गार्डनर, तूने भी गार्डनिंग करनी है? सीखते रहो। तो ये मैं प्रूनर लेके आ गया, और जो कुछ जो फेडेड फ्लावर्स हैं इनको मैं निकाल लूँगा सो देट कि इनकी फ्लावरिंग होती रहे। और प्रूनिंग से मुझे याद आया, डेड हेड से मैं रोज का भी डेड हेड कर देता हूँ वहाँ पे। ये भी देखिए, इसको भी निकाल देता हूँ ताकि ये फ्लावर्स आते रहें। और ये जो हेल्दी दिख रहा है फ्लावर्स, ये इसीलिए है क्योंकि इसको हम लोग काफ़ी केयर करते हैं, इस रोजेज का और बाकी सारे प्लांट्स के भी। क्या कर रहे हो आयुष्मान, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम स्पाइडर वेब हटा रहे हो? वाओ, ये देखिए, ये रेन लिली भी खिला हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और इसमें बर्ड्स भी आए हुए हैं।
नाइट में रेन भी हुई है और शिमला में तो रेन होती ही रहती है, तो इनको रेन लिली को रेन बहुत प्यारे लगते हैं। और जैसे ही इसको रेन मिला ये खिल गया। अच्छा ये कार्नेशन दिखा ना, ये वाला ना ड्वार्फ कार्नेशन, ये भी बड़े प्यारे हैं ये, और ये इसमें दो तीन तो खिले ही रहते हैं हमेशा। इसके अलावा ये लेमन सीडम ग्रास भी है, साथ में ये दूसरे सीडम की एक वैरायटी है सकुलेंट की, और साथ में हमने ये रोज़ आपको दिखाई दिया है। और ये रेड कार्नेशंस देखिए, यहाँ यहाँ दिखाओ जी। हाँ जी लाइट आ रही है। अच्छा ये वाले ना, अच्छा हाँ सामने से लाइट आ रही है ना, कोई बात नहीं। इधर से ये देखो रेड कार्नेशंस, ये तो जेरेनियम है, आईवी जेरेनियम लिलैक, इसमें भी हमेशा फ्लावरिंग होती ही रहती है। हाँ ये तो सालों भर, ये सारे जेरेनियम की वैरायटी है। और ये भी जेरेनियम का पिंक और वाइट ब्लेंड में है, और ये भी ये डार्क पिंक लिलैक है, बट थोड़ा फेड होने लगा, लगता है नया निकलने वाला है यहाँ से। और इस जेरेनियम की क्वालिटी ये है कि ये फ्लावरिंग होने के बाद काफ़ी टाइम तक सस्टेन करते हैं, ऑलमोस्ट वन मंथ हो गया होगा इसकी फ्लावरिंग। ये तो लगभग मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया है मुझे लग रहा है। अभी जैसे ये फ्लावर सेट हो जाएंगे इसकी हम डेड हेड कर देंगे, और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ब्लूमिंग होती है फ्लावर, और फिर नए नए भी निकलते रहते हैं। जैसे यहाँ से भी अभी नया निकल रहा है, ये देखिए ये वाइट पेटूनिया, ये भी बड़े सुंदर लगते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें ना, क्योंकि ये थोड़ा लगी हुआ है तो थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी। ये सकुलेंट ट्री बनाया हुआ है और ये सारे प्लांट्स हैं। ये तो ड्रेसियाना है, ये पिंक सिंगोनियम है, और यहाँ भी हमने काफ़ी सारे जेरेनियम लगा रखे हैं। इधर डायंथस भी है, ये है डे लिली, ऑरेंज डे लिली ना, ओके। और ये बेबी सनरोज, हाँ ये धूप निकलने पे बेबी सनरोज में ब्लूमिंग होती है, तो आज तो धूप आई नहीं है बट छोटे छोटे से दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये भी रेन लिली है, लेकिन ये अभी इसमें अभी फ्लावरिंग हुई नहीं है इसमें। ये वाइट कलर का रेन लिली है। अब थोड़ा और नज़दीक आ जाओ, अब हम लोग इधर से दिखाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इन जितने भी लॉकडाउन में जो हॉलीडेज हुए थे तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे ये हैंगिंग पॉट्स भी बना लिए, कुछ मैंने ऑनलाइन परचेज भी कर लिए। और ये देखिए मैरीगोल्ड वगैरह भी लगा रखे हैं हमने। अभी बिगुनिया में फ्लावर तो नहीं आया हुआ है, लेकिन ये भी अभी आने वाले हैं। यहाँ पे बर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं, कलियाँ छोटी छोटी, सर्कुलेंट देख लीजिए आप ये, और ये साथ में यहाँ पे मैरीगोल्ड काफ़ी बड़ा। हाँ ये सुंदर लग रहा है। चलो अब आगे थोड़ा दिखाते हैं, ये ऊपर वाला भी दिखा दो। ये स्पाइडर प्लांट को भी हैंग कर रखा है ऊपर, और साथ में ये भी हैंग करके हमने लगा दिया है। ये आईवी प्लांट है, यस। और ये सब हमने रेलिंग पे लगा रखे हैं डायंथस, और ये भी डॉग फ्लावर है, अभी इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। ये पिंक है, हाँ ये थोड़ा छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है। और ये विंड चाइम भी है, ये भी लगा रखे हैं। और ये पिगोनिया, और हमने यहाँ पे ये आईवी लिलैक जेरेनियम को भी हैंग करके रखा है। काफ़ी फ्लावरिंग हुई थी स्प्रिंग और समर में, थोड़ी सी अभी बारिश आने पे थोड़ी सी कम हो गई है। अभी मैं आपको ये फर्न दिखाता हूँ, ये तो मुझे बहुत ही यूनिक सा लगता है। ये अभी ये 1.5-2 साल हो गए इसको ना, और इसको हम लोग लाए थे, इट्टू सा था ये, बिल्कुल छोटा सा टाइनी, और ये कितना बड़ा हो गया है। ये देखिए सारे नए नए ब्रांचेज निकले हैं इसके, कैसे फैलता जा रहा है। एस्पैरगस फर्न है ये तो गुड लक प्लांट है, बट इसका दूसरा नाम क्या है? इसको जेट प्लांट भी बोलते हैं। आप मेरे को टेस्ट ले रहे हैं? हाँ ये क्रेसुला, क्रेसुला की वैरायटी, क्रेसुला ओवाटा की, क्रेसुला ओवाटा भी बोलते हैं। अच्छा, और ये येलो वाले देखो डॉग आ गए, एंटी राइनम डॉग फ्लावर, ट्विंक ट्विंक। क्या हो गया आयुष्मान तुमको? आयुष्मान क्या हुआ, तुम भी वीडर लेके आ गए, कुछ करना है गार्डनिंग में? अरे रुक जा भाई, अरे भाई छोड़ दो। ये वाइट वेलवेट, ये तो मेरा हॉट फेवरेट प्लांट है, बहुत ही सकुलेंट ही होते हैं। हाँ सकुलेंट की वैरायटी है ये, कुशन टाइप के लगते हैं ये ना। मेक्सिकन लेमन दिखाता हूँ, ये देखिए ये महीने में 3-4 निकल जाते हैं लेमन, और पॉट में लगाए हुए हैं हमने, देख लीजिए पॉट में, तो महीने में 3-4 निकलते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमें बाज़ार से तो लाना ही पड़ता है, बट ये ऐसे ही शौकिया है। और इधर लोअर वाले रैक पे दिखाएं तो हम लोगों ने काफ़ी सारे रोज़ हैं, डहलिया प्लांट्स हैं, वो सब लगा रखे हैं। और ये देखिए कार्नेशंस,
वाइट कार्नेशन है ये, और ये वाइट पैंसी कितना प्रीटी लग रहा है ये, और ये वर्मीनियन कलर है ये, और ये सब सारे डहलिया प्लांट्स हैं। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है अभी इसमें, क्योंकि शिमला है तो जितने भी विंटर फ्लावर्स होते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्लूम होते हैं, तो एक दो वीक में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होने वाली है इसमें। और ये है रजनिया, ये पॉट देखिए ये इन्होंने बनाया है। इसमें मैंने सकुलेंट लीफ प्रोपगेशन किया है जिसमें बेबी प्लांट भी आ गए हैं। फ्रेंड्स, बातें तो कभी ख़त्म नहीं होगी। अब हम अपने छोटे से बालकनी टूर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आप हमारे इस चैनल को, जो मैंने लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।